नमस्ते स्टूडेंट्स आज हम सोशल साइंस मीनिंग नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स में आया है सोशल साइंस एक बहुत हाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारे समाज और उसके लोगों के बीच के संबंधों को समाजन में मदद करता है चलिए शुरू करते हैं सोशल साइंस स्टडीज ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज इन सोसाइटी ये हमें ये समाजन में मदद करता है कि लोग एक दूसरे और अपने एन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान समाज में मानवीय संबंधों और गतिविधियों का अध्ययन करता है ये हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं स्कॉलर्स की जो आप अपने आंसर में भी एज इट इज लिख सकते हो मिचेलीज व्यू द सोशल साइंसेज आर कंसर्न विद मैन एंड हिज सोशल एंड फिजिकल एन्वायरमेंट दे डील विद ह्यूमन रिलेशनशिप्स सामाजिक विज्ञान मनुष्यों और उसके सामाजिक और भौतिक वातावरण से संबंधित है वे मानवीय संबंधों से निपटते हैं का हैमिंग्स व्यू सोशल साइंस इज स्टडी ऑफ रिलेशंस एंड इंटरलेशंस हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल एंड सोशल सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक भौगोलिक और सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन है वेस्लीज व्यू द टर्म सोशल साइंस इंडिकेट्स मटीरियल प्रोमिनेंटली सामाजिक विज्ञान शब्द उस सामग्री को इंगित करता है जिसकी विषय वस्तु और उद्देश्य प्रमुखता से होते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप सोशल साइंस ह्यूमन इंटरैक्शन और एक्टिविटीज को एग्जामिन करता है मानवीय अंतक्रियाओं और गतिविधियों का अध्ययन करता है सोशल प्रिपरेशन सोशल साइंस हमें हेल्दी और कंप्लीट सोशल लाइफ के लिए प्रपेयर करता है व्यक्तियों को स्वस्थ और पूर्ण सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है नॉलेज ऑफ सोसाइटी सोशल साइंस प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स मानव समाज और संबंधित पहलुओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता है अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट सोशल साइंस हेल्थ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने में मदद करता है उनके एनवायरमेंट को छात्रों को उनके पर्यावरण को समझने और व्याख्या करने में मदद करता है मॉडर्न वर्ल्ड सोशल साइंस मॉडर्न वर्ल्ड और सिविलाइजेशन को सिंप्लीफाई करता है ताकि हम उससे बेटर समझ सकें आधुनिक दुनिया और सभ्यता को बेहतर समझने के लिए सरल बनाता है यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फ्लोर टू शो योर की पॉइंट्स ऑफ आंसर इट विल एनहांस योर मार्क्स इन एग्जाम्स सो नाउ वी विल डू नेचर ऑफ सोशल साइंसेज पहला पॉइंट है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स सोशल स्टडीज एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग सब्जेक्ट्स का ज्ञान इकट्ठा करता है जैसे सोशल साइंस नेचुरल साइंसेज और फाइन आर्ट्स ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हमारे एन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन इंटरक्शंस को समाजन में मदद करता है एग्जाम्पल जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं तो हम जियोग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का यूज करते हैं जियोग्राफी से हम वेदर पैटर्न्स को समझते हैं इकोनॉमिक्स से इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज और पॉलिटिकल साइंस से गवर्नमेंट पॉलिसीज को दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड सोशल स्टडीज सिर्फ इकोनॉमिक्स हिस्ट्री या जियोग्राफी नहीं है बल्कि ये इन सब सब्जेक्ट्स को मिलाकर ह्यूमन सोसाइटी और उसके डेवलपमेंट को समझता है एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समाजन के लिए हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स इकोनॉमिक चेंजेस और सोशल इम्पैक्ट सब देखने पड़ते हैं तीसरा पॉइंट है अप्प्लाइड ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज सोशल स्टडीज सोशल साइंसेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये स्कूल करिक्यूलम का पार्ट है ताकि हमारे स्टूडेंट्स में प्रॉपर एटीट्यूड्स सेंसिबिलिटीज और स्किल्स डेवलप हो सकें एग्जाम्पल जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम अपने राइट्स और ड्यूटीज को समझते हैं चौथा पॉइंट है डायनामिक सब्जेक्ट सोशल स्टडीज एक डायनामिक सब्जेक्ट है मतलब ये समय के साथ इवॉल्व होता रहता है जैसे जैसे सोसाइटी और उसकी प्रॉब्लम्स बदलती हैं एग्जाम्पल आजकल डिजिटल प्रिवेसी इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के वजह से पांचवा पॉइंट है प्रैग्मेटिक अप्रोच सोशल स्टडीज का अप्रोच प्रैक्टिकल होता है ये प्रेजेंट सोसाइटल नीड्स को पूरा करता है और स्टूडेंट्स को सोशली एडजस्ट होने में मदद करता है एग्जाम्पल फाइनेंशियल लिटरेसी लेसन स्टूडेंट्स को फ्यूचर में अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना सिखाते हैं छठा पॉइंट है एम्फोसिस ऑन कंटेम्प्रेरी ह्यूमन लाइफ सोशल स्टडीज का ज्यादा फोकस आज के ह्यूमन लाइफ और उसकी प्रॉब्लम्स पर होता है ना कि सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स पर एग्जाम्पल हम पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के करंट इश्यूज को स्टडी करते हैं इंस्टेड ऑफ सिर्फ पास्ट एनवायरमेंटल इवेंट्स सातवां पॉइंट है स्टडी ऑफ कम्युनिटीज सोशल स्टडीज में हम अलग अलग कम्युनिटीज का स्टडी करते हैं फोकसिंग ऑन ह्यूमंस एंड देयर सोशल इन्वायरमेंट्स एग्जाम्पल हम रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ को कंपेयर करते हैं ताकि उनके डिफरेंट लाइफ और चैलेंजेस को समझ सकें आठवा पॉइंट है स्टडी ऑफ वेब ऑफ रिलेशनशिप्स सोशल स्टडीज ये एक्सप्लोर करता है कि लोग और उनका एनवायरनमेंट कैसे इंटरैक्ट करते हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स में सोशल स्किल्स और एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं एग्जांपल हम देखते हैं कि एक सिटी में कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट होता है नौवा पॉइंट है प्रेपरेशन फॉर सोशल लिविंग सोशल स्टडीज का मैं गोल है स्टूडेंट्स को सोशल लिविंग के लिए प्रिपेयर करना इससे अन गुड हैबिट्स एटीट्यूड्स और इंस्टीट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होती है एग्जाम्पल लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस को समााजन से हमें पता चलता है कि कम्युनिटी में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं अंतिम पॉइंट है क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स सोशल स्टडीज स्टूडेंट्स को वर्ल्ड को सामाजन में मदद करता है और उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाता है जो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को अप्रिशिएट करते हैं एग्जाम्पल जब हम पॉवर्टी और हेल्थ केयर जैसे ग्लोबल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एम्पथी की इम्पॉर्टेंस समझ में आती है अब हम करेंगे स्कोप ऑफ सोशल साइंसेस पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन सोशल साइंस वेरियस सोशल फिनोमिना और उनके इम्पैक्ट्स को समझने में मदद करता है विभिन्न सामाजिक घटनाओं और उनके समाज पर प्रभावों के बीच संबंधों को समझना Example उदाहरण studying the impact of industrialization on urban migration. औद्योगिकीकरण के शहरी प्रवास पर प्रभाव का अध्ययन करना दूसरा पॉइंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी व्यावसायिक कुशलता के विकास के लिए सोशल साइंस एजुकेशन वोकेशनल स्किल्स और इकोनॉमिक वैल्यूज को डेवलप करता है जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में मदद कर सकता है शिक्षा व्यावसायिक कुशलता और आर्थिक मूल्यों का विकास करने में मदद करती है जिससे बेरोजगारी कम हो सकती है एग्जाम्पल उदाहरण इंट्रोड्यूसिंग टेक्निकल कोर्सेज इन स्कूल्स टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर जॉब रेडी स्किल्स स्कूलों में तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करना ताकि छात्र नौकरी के लिए तैयार कौशल प्राप्त कर सकें तीसरा पॉइंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए सोशल साइंस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सोशल वैल्यूज जैसे एकवालिटी और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करता है लोकतांत्रिक समाज में स्थिति और अवसरों की समानता और धन के समान वितरण जैसे सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण हैं एग्जाम्पल उदाहरण टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट जेंडर इक्वालिटी थ्रू स्टोरीज एंड एक्टिविटीज कहानियों और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को लिंग समानता के बारे में सिखाना चौथा पॉइंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज मानवतावादी दृष्टिकोण के विकास के लिए सोशल साइंस ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को डेवलप करने में मदद करता है जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट हैं वैश्विक स्तर पर मानवतावादी मूल्यों की कमी है और इन मूल्यों को सामाजिक विज्ञान शिक्षा के माध्यम से विकसित करना आवश्यक है एग्जाम्पल उदाहरण प्रमोटिंग एम्पथी एंड काइंडनेस इन स्कूल्स बाय ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज सामुदायिक सेवा गतिविधियों का आयोजन करके स्कूलों में सहानुभूति और दया को बढ़ावा देना पांचवा पॉइंट है फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट पर्यावरण की संभाल के लिए सोशल साइंस एनवायरमेंटल प्रेजर्वेशन के इम्पोर्टेंस को सिखटा है वन कटाव भूमि कटाव और औद्योगिकीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो गया है पर्यावरण संरक्षण के महत्व को सिखाना बहुत जरूरी है एग्जाम्पल उदाहरण इम्प्लीमेंटेंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव एंड एजुकेटिंग स्टूडेंट्स अबाउट रिसाइकलिंग वृक्षारोपण अभियान को लागू करना और छात्रों को पुनर्चक्रण के बारे में शिक्षित करना छाठा पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली छोटे परिवार का महत्व सोशल साइंस पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करता है जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है छोटे परिवारों के महत्व को मूल्य शिक्षा के माध्यम से समझाया जा सकता है एग्जाम्पल उदाहरण कंडक्टिंग वर्कशॉप्स ऑन फैमिली प्लानिंग एंड इट्स बेनिफिट्स परिवार नियोजन और इसके लाभों पर कार्यशालाओं का आयोजन करना सातवां पॉइंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए सोशल साइंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे लाव सिंपथी कोऑपरेशन और कंपैशन को प्रमोट करता है लोकतांत्रिक देश में प्रेम सहानुभूति सहयोग और दया जैसे मूल्यों का विकास आवश्यक है सामाजिक विज्ञान शिक्षा को इन प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए एग्जाम्पल उदाहरण एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू पर्टिसिपेट इन स्कूल इलेक्शंस टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस छात्रों को प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए स्कूल चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना आठवा पॉइंट है टू डेवेलप साइंटिफिक आउटलुक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए सोशल साइंस साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट करता है जो सुपरस्टिशंस और ट्रेडिशंस को चैलेंज करता है विज्ञान के युग में पुरानी अंधविश्वासों और परंपराओं से चिपके रहना प्रगति में बाधा डालता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्तियों को तथ्य और प्रचार में अंतर करने और तार्किक रूप से सोचने में मदद करता है एग्जाम्पल उदाहरण टीचिंग स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स छात्रों को प्रयोगों के माध्यम से जानकारी पर सवाल उठाने और सत्यापित करने के लिए सिखाना नोव पॉइंट हैव फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर संस्कृति की सुरक्षा के लिए सोशल साइंस रिच कल्चर को प्रिजर्व करने और वैल्यूज जैसे ट्रूथफुलनेस ऑनेस्टी और ड्यूटी को प्रमोट करने में मदद करता है आधुनिक परिस्थितियों ने हमारी संस्कृति को प्रदूषित कर दिया है जिससे सत्यनिष्ठा ईमानदारी भलाई और कर्तव्य जैसे मूल्यों में गिरावट आई है हमारी समृद्ध संस्कृति की सुरक्षा के लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है एग्जाम्पल उदाहरण ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स इन स्कूल टू सेलिब्रेट हेरिटेज विरासत का जश्न मनाने के लिए स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का आयोजन करना अंतिम पॉइंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर सोसाइटी धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास के लिए सोशल साइंस सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है जो सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता है और फ्रीडम ऑफ वर्शिप एंश्योर करता है धर्मनिरपेक्षता एक प्रमुख सामाजिक मूल्य है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान और पूजा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना शामिल है धर्मनिरपेक्ष मूल्य सभी के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देते हैं और धर्म के आधार पर भेदभाव को हतोत्साहित करते हैं एग्जाम्पल उदाहरण टीचिंग अबाउट वेरियस religions एंड their टीचिंग्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न धर्मों और उनकी शिक्षाओं के बारे में सिखाना तो स्टूडेंट्स ये द स्कोप ऑफ सोशल साइंस के मै पॉइंट्स आई होप आपको ये समझ आया होगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में धन्यवाद प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अर्स यूट्यूब चैनल